नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जॉब अश्योर करके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टायर वन का सिलेबस है अब नए पैटर्न पे होगा, टायर टू सिलेबस चेंज नहीं होगा, पैटर्न अलग होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे 200 की बजाय, 75 मिनट्स का होगा बजाय 2 आवर्स के। तो ये जो चेंजेस आए हैं वो टायर वन में आप बेस्ट रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, ये एज ए पिनेकल कोचिंग सेंटर का ये इनिशिएटिव है जॉब अश्योर करके। जॉब अश्योर का मतलब यहाँ पे एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए डे वाइज प्रोग्राम है, सीरियस प्रिपरेशन के लिए। दिस इज ए पेड प्रोग्राम, दिस इज नॉट फ्री। ऑब्वियसली नॉट इवन ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ पिनेकल एसएससी सीजीएल कोचिंग इज फ्री। वी हैव 80% ऑल आर पेड, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पेड प्रोग्राम होते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है स्पेशलाइज तो आपको ऑब्वियसली पे करना चाहिए। हालांकि कुछ एक क्वेश्चन होता है उसका फ्री भी होता है, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे SSCCGL.com, तो वहां पे भी आपको 200 से 300 के आसपास आर्टिकल आपको मिलेंगे जो कि SSCCGL की तैयारी करने में हेल्प करेंगे। तो वहां पे आप साइट पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। तो वहां पे साइट मैप पे जाइए और SSCCGL बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी। ऐसे ही आप यूट्यूब चैनल पे भी अगर हमारे देखो बहुत सारी वीडियो फ्री मिलेगी। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है जिसकी हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि इसमें भी आप देखेंगे कितने लोग लगेंगे इसको बनाने के लिए, तो वहां पे कॉस्ट आती है। ऑब्वियसली जो लोग हमारे ये प्रोग्राम जो लोग ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव कोर्स होता है वो ज्वाइन कर रखा है या ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसका हिस्सा हो सकते हैं। बाकी लोग हैं, हम लोग आपको फीडबैक देंगे जो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते कि वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रोग्राम का एम है वो क्या है। एक तो क्या है कि आमतौर पर स्टूडेंट के सामने सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है जो मैं फेस देख रहा हूं और मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये उनके दिमाग में चलता रहता है कि हम तैयारी करेंगे। पिछले एक हफ्ते से उन्होंने करेंगे कर रहे हैं और अभी तक स्टार्ट नहीं किए। और ऐसे करते करते ये 27 अगस्त या जब भी आपका एग्जाम है, आप जिस डेट को आपका एग्जाम होगा 27 को होता है 28 को होता है, तो तब तक बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे निकाल देंगे करेंगे और आखिर में कुछ नहीं होगा। ये सबके आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट इस दौर से अभी गुजर रहे हैं कि डे वाइज उनका शेड्यूल है वो फिक्स नहीं है और अगले दिन क्या करना है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या आज मैं क्या करूं ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, या वो बैठता भी है किताब पे, दुनिया भर के विचार उसके सामने आ जाते हैं और वो उसको नहीं करने दे रहे। तो उस चीज को रोकने के लिए कि वो हाईली इंगेज्ड और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, और वो भी SSCCGL की पढ़ाई पे हाईली मोटिवेटेड हो, मतलब कि वो उसको लगे कि मैं कर सकता हूं और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन हो या एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, जब तक एक आदमी मोटिवेटेड नहीं होगा उसकी प्रिपरेशन में फोकस नहीं आएगा। वेल गाइडेंस, देखो गाइडेंस का यहां पे बहुत ज्यादा रोल आ सकता है, क्योंकि जो लोग पहले तैयारी कर रहे थे अब उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा तैयारी में। और जो अभी डाटा निकल कर आ रहा है मैं आपको शेयर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का यह फीडबैक जो हमारी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं कि मेरा टाइम बच जाता है 15-20 मिनट, किसी का जाता कि 26 मिनट 27 मिनट भी ऐसा भी बच रहा है, किसी का 10 मिनट, किसी का 5 मिनट। आमतौर पर जनता या स्टूडेंट्स वो टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं 75 मिनट्स और 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल चेंज नहीं होगा, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। ये नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम दे दिया तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे, ऐसा नहीं है। और क्या ज्यादा टाइम देने से स्कोर ज्यादा आ रहा है, आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट तो 5 नंबर कर रहे हैं जीके में, या 5 भी नहीं कर रहे, कहीं तो 3 भी है, 1-2 माइनस में भी जाता है। और 25%, ये पहले भी हो रहा था, 50 नंबर का था तो उसमें 4-5 क्वेश्चन ही कई बार ठीक होते थे टोटल नेट क्वेश्चन। इसका मतलब तो अगर उसको 5 दिन दे दिया जाए इस पेपर को करने में, क्या आपको लगता है वो 5 नंबर से 50 नंबर ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो टाइम बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि नॉलेज अपने आप बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता।
मैसेज क्या है यहां पे कि अगर टाइम बढ़ा दिया तो मेरिट ज्यादा जा सकती है, इसलिए आपको नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बहुत सारे स्टूडेंट थे जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटेक स्टूडेंट्स, वो दो घंटे में जितना पेपर करते थे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती थी। अब और चलो वो पांच नंबर लेते हैं, मुझे पता है कि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट पांच छह नंबर लेने के बावजूद कि जीके जी मुझे याद नहीं और मुझे नहीं पढ़ती, वो लोग इनकम टैक्स लगे हुए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैथ और रीजनिंग आमतौर पर ठीक होती है, जो इनका मैथ अच्छा होता है तो ये अज्यूम करते हैं कि वो लोग पहले डिस्कार्ड कर देते। लेकिन अब जब तीन फेजेस होंगे और जीके के जिन लोगों ने जीके ठीक की होगी उनको एक एडेड एडवांटेज मिलने की पूरी संभावना होगी, पहले भी मिलता था लेकिन अब ये ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो लोग टाइम पे मैथ नहीं कर पाते थे उनके लिए भी एक चांस मिलेगा। दूसरे शब्दों में आपको चारों सब्जेक्ट की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका हौसला ऊपर हो, और अगर पहले आप 130 या 120 के आसपास स्कोर कर रहे थे आप 20 नंबर बढ़ाइए, ये इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, नए पैटर्न को घबराइए मत, नए पैटर्न से, नए पैटर्न के प्रति आप अपना दृष्टिकोण सकारात्मक कीजिए और इसमें यह सोचिए कि अब नए नंबर 20 नंबर तो कम से कम ज्यादा आएंगे ही आएंगे। जब आपके दिमाग में होगा, इमेज छपेगी कि मेरे नंबर ज्यादा आएंगे तो आएगा नंबर ज्यादा। दिस इज द मैटर ऑफ इमेजिनेशन। साइकोलॉजी क्या बोलती है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। आपने सोचा कि मैं ज्यादा नंबर ले सकता हूं, इस नए पैटर्न पे ज्यादा नंबर आएंगे। आपने सोचा कि मैं कम नंबर लूंगा, मेरे पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ स्टूडेंट की मेरे पास ये वाले कि जी घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है मेरा क्या होगा। मैं ये बोलता हूं कि पॉजिटिव सोचिए, आपके लिए ज्यादा चांस होगा। जो लोग इस दो महीने में ज्यादा गंभीर होंगे वो लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और जो लोग पहले गंभीर थे और अब वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि अब तो जी हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वो शायद अपने आप को नए पैटर्न में ढालने के बजाय उनका टाइम वेस्टेज वो अननेसेसरी बातों में सोचने में लग रहा है ज्यादा, और उनको वो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो दो महीने की कड़ी मेहनत आपको रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये किन के लिए है, जैसे मैंने बताया जो पिनेकल के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पिनेकल ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्डवेयर कोर्स, या जो ज्वाइन करना चाहते हैं ये उनके लिए है, ये इनिशिएटिव है। फीचर्स ऑफ द जॉब अश्योर प्रोग्राम, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे पिनेकल बार बार इनिशिएटिव लेता है ताकि स्टूडेंट में एक नया पन आए, मोटिवेशन हो, हाईली एंगेज्ड रहे, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम इस पे होते हैं। तो इसी कड़ी में इस तरह का प्रोग्राम है जॉब अश्योर टू मेक डेली शेड्यूल फॉर अप्रोक्सीमेटली 50 डेज। अभी जो दिन बचे हुए लगभग 45, 50, 52, 53 इस तरह के दिन बचे हुए हैं, आप बोल सकते हैं मोटा लेवल पे कि 50 डेज में आपको 50 डेज के बाद आपका एग्जाम है। इसका मतलब इस प्रोग्राम में होगा क्या कि टू मॉनिटर परफॉर्मेंस डेली, जिससे कि सिर्फ सोचने का काम ना हो एक्शन लेने का काम हो। इंडिया में प्लानिंग बहुत बनती है, बड़ी बड़ी स्कीमें बनती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के नाम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पे इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम बोल सकते हैं आप इसको, कि आपको मोल्ड करना है कि रिजल्ट, आपको किताब लीजिए पढ़िए, सोचिए कम, सोचना है तो नंबर ज्यादा कैसे लेने हैं वो करके दिखाइए। तो डेली टेस्ट होगा इसके लिए, फीडबैक एंड एक्शन प्लान व्हाट टू डू वीकली। जैसे वीकली प्लान होगा, ये वीकली आपको टारगेट दिए जाएंगे, सिलेबस को अलग अलग कैटेगरी होगी स्टूडेंट की, जैसे कि आप जानते हैं टाइप वन स्टूडेंट, टाइप जीरो स्टूडेंट, टाइप वन, टाइप थ्री, टाइप फोर, इसका मतलब हर टाइप की स्टूडेंट के लिए अलग से चाबी होगी, और अलग से चाबी होगी क्योंकि हर जो लेवल है या जो मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है टाइप की, वो अलग होती है। तो इस प्रोग्राम में हम अलग साइकोलॉजी जिसकी होगी उसको वैसे ही दवाई दी जाएगी। तो फीडबैक और एक्शन होगा वीकली, वीकली टारगेट सेट, और वीकली टारगेट को डेली में डिवाइड करके डेली प्लान भी, आपको ये करना है और ये आप दिन में कीजिए, रात को आपका टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन आपका काम होगा, ये हम लोग करेंगे। टू इंप्लीमेंट डेली शेड्यूल ऑफ वीकली असाइन टारगेट, हाईली एंगेज्ड मोटिवेटेड गाइडेंस प्लान ऑफ डेली 8 to 10 आवर्स। जब आपके सामने होगा कि भाई देखो आज है आप बायोलॉजी का
प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ना है, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट पढ़ना है, ठीक है जी। और साथ में आपको जो मैथ है उसमें अलजेब्रा पढ़ना है। वीडियो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है और शाम को टेस्ट होगा। यह मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड या मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आएंगे और उस पर आपका टेस्ट होगा शाम को। इसलिए आपका अभी 2 घंटा बचा है, आपको याद कराया जाएगा कि जी 2 घंटे के बाद टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप पढ़िए। आप जानते हैं स्कूल में जब पढ़ते थे, प्लस वन टू में कॉलेज में पढ़ते थे, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था 9 बजे, सारे साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब एग्जाम के दिनों में एग्जाम है 9 से 12, तो बच्चों के हाथ में किताब होती थी सुबह ही 6-7 बजे से लेकर, और जब 8:45 पे कई लोग खड़े होकर पढ़ रहे थे, क्या वो सारे साल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि उस साल साल टेस्ट नहीं हो रहा। अगर हर रोज टेस्ट हो तो बच्चे अपना रूटीन बना सकते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम रूटीन बनाने का काम किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन का काम किया कर रहे हैं कि सोचने का काम कम, एक्शन लेने का काम ज्यादा हो। रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज एट मिनिमम और 0 लेवल। आप मेरी एक प्रेजेंटेशन होगी यूट्यूब पे, आप देखिए हाउ टू प्रिपरेशन, इसमें डिफरेंट टाइप के मेरे स्टूडेंट की बारे में बताया है और ये बोला है कि बहुत सारी टाइप, एक तो टाइप ऐसी है जो नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटी सारा दिन करेगी और परफॉर्मेंस एक्टिविटी के नाम पे 0। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नॉन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज को रिड्यूस करना चाहते हैं, आपकी फेसबुक को बंद करवाना चाहते हैं, आपके वो काम जिसमें कि आप गॉसिप में भाग लेते हैं वो बंद करवाना चाहते हैं, आपके, मैं ये नहीं बोला कपिल शर्मा शो बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन जरूर कुछ उस तरह के प्रोग्राम जरूर पोगो बंद करवाना चाहते हैं, कार्टून बंद करवाना चाहते हैं अगर इस उम्र में भी कार्टून देख रहे हैं, और जरूर कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम देख रहे होंगे या इंटरनेट पर गपशप देख रहे होंगे, इसको बंद करना चाहिए। अभी 50 दिन बचे हैं, कवरिंग और सब्जेक्ट, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पैटर्न। जैसे मैंने बताया कि नए पैटर्न और पुराने पैटर्न पे अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो उसमें यह है कि अब चारों सब्जेक्ट मजबूत होना अनिवार्य होगा। पहले क्या है कि थोड़ा आप जीके में ढीलापन भी दिखा देते थे तो एक अच्छी जगह पर सिलेक्शन भी हो सकता था, अगर बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब संभावना उसकी इतनी ज्यादा नहीं है। जब तक कि आप जीके में अच्छा नहीं करोगे, आपके जो पीछे लगे हुए हैं जिनका थोड़ा सा मैथ डाउन है वो पकड़ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखिए, क्योंकि टायर 3 भी 100 नंबर का, तो कमजोर मैथ है या एवरेज अबो एवरेज मैथ है वो भी स्टूडेंट टक्कर दे सकते हैं। एलोकेशन ऑफ टाइम, मुझे आपके जिंदगी के 400 घंटे चाहिए। अगले 400 घंटे अगर आप मुझे जिंदगी के देते हैं तो यकीनन आपके जिंदगी के 6 लाख घंटे होते हैं, जो टोटल 6 लाख और 70 ईयर्स की लाइफ में अगर देखें 365 डेज होते हैं, अगर एक डेज में 24, तो इतने घंटे बनते हैं, और जरूर लगभग 5 लाख के आसपास या 4 लाख के आसपास घंटे आपकी लाइफ के जरूर बाकी होंगे। मुझे चाहिए आपकी 400 आवर्स, वो जिंदगी आपके लिए बेटर होगी। हम जिंदगी में 15 से 18 साल पढ़ाई करते हैं, LKG UKG से स्टार्ट करके 10th+2 ग्रेजुएशन तक लगभग 15-16-17-18 साल तक पहुंच जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक, लेकिन उस पढ़ाई से आज के टाइम में नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको अलग से कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि SSC CGL वगैरह। इसका मतलब 18 साल की जो पढ़ाई है और वो डिग्री है, अगर आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं की तो वो डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा, और अगर आपने वो 18 साल मेहनत के बाद अगर आपने 400 घंटे मुझे दिए, पिनेकल को दिए, तो आपकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण चेंज आ सकता है, और वो 18 साल में अगर आपने कमजोर भी पढ़ाई की होगी तो उसको बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी, और अगले 4-5 लाख जो जिंदगी के बाकी अगर 70 ईयर्स की भी लगाई जाए तो वो एक बेटर लाइफ होगी। या आप 400 आवर्स पेन महसूस कीजिए, या 5 लाख आगे जो घंटे हैं उनका पेन महसूस कीजिए। 400 घंटे का दर्द आपकी 5 लाख घंटे की जिंदगी को आसान बनाएगा। हाउ टू एलोकेट टाइम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, वाच गाइडेंस प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया कि यूट्यूब पे, उसमें टाइप 1 टाइप 2 इस तरह दिया हुआ है। इसका मतलब हर बंदे के लिए अलग से स्ट्रेटजी इस योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत हमने रखी है, जिससे
उसकी परफॉर्मेंस को पैनापन किया जा सके। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ, डिफाइन एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में है अभी। फर्स्ट यू डिसाइड वेयर यू आर, अगर टाइप वन कैटेगरी है, टाइप जीरो कैटेगरी है, टाइप टू कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, आप वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। पिनेकल लॉन्च इज जॉब अश्योर टाइप वन, जॉब अश्योर टाइप टू, यहां पे टॉप, जहां तक जीरो में टाइप जीरो, जिसमें कि उन स्टूडेंट के लिए भी जो बहुत ज्यादा उनको ट्रैक पे लाना मुश्किल होगा। जॉब अश्योर टाइप थ्री, जॉब अश्योर टाइप फोर, सबके लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम हो गए जॉब अश्योर के तहत। वंस यू आइडेंटिफाई यू विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वीकली टारगेट दैट टू बी अचीव डेली एंड विल बी मॉनिटर्ड, एंड विल बी मॉनिटर्ड कि आपको टारगेट होगा वीकली, मतलब कि 50 दिन के टारगेट को वीकली डिवाइड और वीकली के टारगेट को डेली, और डेली शेड्यूल में ये करना है, और उसके बाद आपका टेस्ट, टेस्ट में कम नंबर आए तो, ज्यादा नंबर आए तो क्या होगा, पहले ये देख सकते हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट, टाइप टू स्टूडेंट कौन से होते हैं, टाइप थ्री कौन से होते हैं, टाइप फोर, टाइप जीरो और टाइप वन। टाइप वन फ्रेशर जो चांस लेना चाहते हैं 2 दफा, मुझे लगता है ये धमाका कर सकते हैं इस साल अगर इनको ये लोग ज्वाइन करते हैं सब जॉब अश्योर, ऑब्वियसली इन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो भी बहुत सारा डिफरेंस डाल सकते हैं। याद रखिए कोचिंग सेंटर आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, आपको मॉनिटर कर सकता है, लेकिन असली काम तो आपको ही करना है, और बिना कोचिंग भी ये काम कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि कोचिंग लेने ही से सब कुछ होगा, बिना कोचिंग लेने से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोचिंग ज्वाइन कीजिए, मैं ये भी बोल रहा हूं कि बिना कोचिंग भी आप जरूर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि प्रोफेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आप करना चाहते हैं, वेल डिजाइन स्ट्रक्चर मटेरियल के साथ करना चाहते हैं, विद वीडियो एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं वो, या फिर आप प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये सारे आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप देखिए टाइप जीरो हाईली मिसगाइडेड स्टूडेंट, नोट वांट टू चांस और लर्न नोट फोकस्ड, अप्लाई फॉर एवरी एग्जाम, फ्री ट्रायल क्लासेस, फ्री लंच, फ्री सोशल मीडिया, फेसबुक, ऑलवेज लुकिंग फॉर द लाइक माइंडेड, इन लोगों ये बहुत सिरदर्द है। और ऐसे लोगों को हर रोज 4-5 पिनेकल यूट्यूब चैनल से ब्लॉक करता हूं, और बहुत ही हैरानी की बात है, ये लोग दूसरों को गाइड देने से, गाइड करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। ये इनको नहीं लगता कि जिस चैनल पे आप एक्सपर्ट की बात सुन रहे हैं उनसे सीखने के लिए आए हैं, और ये क्या लोग हैं ऐसे वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक लड़के को मैंने देखा, एक लड़की पे इतने कमेंट उसने गंदे किए, मुझे दिल में ऐसा आया कि मैं क्यों ना ऐसे लोगों को सबक सिखाऊं, उनके पेरेंट्स को फोन करूं, और क्यों ना इसके ऊपर लीगल केस दर्ज करा दूं, जिससे कि ऐसे लोगों को अकल इनकी ठिकाने आए। तो मैं ये उन लोगों से जो देख रहे हैं चैनल, साफ साफ क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि आप मेरी, अगर आप इस चैनल को छोड़ दीजिए या सुधर जाइए, अगर इस चैनल को देखना है तो आप सीखने की नजर से देखिए, सिखाने की नजर से नहीं देखिए। नंबर वन, नंबर टू, किसी भी लड़की के ऊपर किसी लड़के ने गलत कमेंट कर दिया तो यह मत सोचना कि यूट्यूब में कोई नहीं देख रहा आपको, इस गलत फहमी का शिकार मत होइए। आपकी सारी जानकारी हमारे पास होती है, पुलिस आप कहीं से भी, ये साइबर क्राइम है ये, अगर किसी भी कमेंट फिर लेडी के प्रति अगर आपने उसके गलत कमेंट करने की कोशिश की तो हम ब्लॉक नहीं करेंगे, एक्शन लिया जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। ये कोई क्विज वाला चैनल नहीं है जहां पे बकवास करते रहे, ये पेड चैनल है, पिनेकल का चैनल है जहां पे बड़ी ढाका मॉनिटर करता है, तो ध्यान रखिए इस बात को। कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए कि किसको आप कमेंट कर रहे हैं। टाइप टू, प्रिपरेशन फॉर क्वाइट सम टाइम, कंप्लीटेड सिलेबस, लेक ऑफ प्रैक्टिस, स्कोरिंग 60-70 मार्क्स, ये लोग वो हैं। तो इसके लिए भी एक इस तरह से प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि देखो, जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा बहुत मुश्किल होगा किसी भी प्रोग्राम में उसको आगे लाना। हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म उसको आगे बढ़ने का, लेकिन उसके लिए मौका होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हमें चेंज होना पड़ेगा, और वरना प्लीज इस पिनेकल यूट्यूब को छोड़ दीजिए।
टाइप थी प्रिपरेशन प्रिपेरेशन लॉन्ग टाइम कंप्लीटेड सिलेबस स्कोरिंग 90-100 स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव। ये लोग इन लोगों ने काफी मुझे ईमेल भी डाला है, अपने कमेंट भी लिखे हैं कि जी मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं टाइप थ्री हूं, मेरे लिए दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए। मैं समझ सकता हूं हर आदमी कभी न कभी इस एक झंझलाट से गुजरता है लाइफ में और उसके दिमाग में यह होता है कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हैं तो मुझे लगता है, और आप अपनी दिशा डे वाइज प्रोग्राम बनाते हैं, आप इसमें भी हमारे हिस्सा बन सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं, आपको फायदा जरूर होगा। आप हिम्मत मत हारिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा कहीं कहीं पे, आप लगातार चलिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जरूर आपको कहीं कहीं आपका कोई वैकेंसी है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए इस ढंग से सोच सकते हैं, और एक वैकेंसी ही आपको पूरी लाइफ में कर देगी। बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई बार सिलेक्शन जरूर होता है अगर आप लगे रहे तो हिम्मत हारना बहुत ज्यादा निराशावादी और होगी। टाइप फोर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये आमतौर पर पिनेकल को ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं बहुत, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मुझे सबसे ज्यादा मेरे कॉन्टेक्ट में फोन भी यही करते हैं, मेरा जी इसमें हो गया मैं क्या करूं, या मेरा होने वाला है मैं क्या करूं। तो मैं ये चाहता हूं कि बाकी लोग भी इस कैटेगरी में आने की कोशिश करें टाइप फोर में, और इनको भी अलर्ट रहना चाहिए जो ऑलरेडी लगे हुए हैं ये, कि अगर इस राउंड में वो, ये आपके लिए चैलेंज होगा कि थ्री फेज का थ्री टायर का राउंड और जिसमें हल्का न्यू पैटर्न और साथ में डिस्क्रिप्टिव टाइप भी, आपको अपनी परफॉर्मेंस को अपनी काबिलियत को और ज्यादा उछाल लाना होगा, उसमें उसमें भी आपको गुंजाइश की नजर से देखना होगा कि मैं इसमें और क्या बढ़िया कर सकता हूं। यह वैरायटी थी जो कि मैंने एक दो प्रेजेंटेशन और भी बताई होगी, लेकिन आगे देखिए दिल्ली टॉप 5 ब्यूरो अनाउंस दिल्ली टॉप 5 परफॉर्मेंस। जब यह प्रोग्राम होगा यह किसके लिए हो रहा है, जब पिनेकल स्ट्रेंथ के लिए हो रहा है या पिनेकल को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है। ब्यूरो अनाउंस दिल्ली टॉप 5 परफॉर्मेंस एट पिनेकल वेबसाइट पे होगा, हो सकता है यूट्यूब में भी हम लोग प्रेजेंटेशन डालकर उनके नाम गिराएं जिससे कि जनता देखे तो उनके हर बंदे के दिमाग में आए कि भाई मैं भी इस 5 में आऊं, मैं भी क्यों ना 5 में आ जाऊं, उसको नजर आएगा कि भी परफॉर्मेंस मैं कितनी उनसे दूर हूं, वो अगर वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं बनूं, तो हर दिमाग को जरूर आएगा। वीकली 5 चैंपियन अनाउंस किया जाएगा डेली के बाद कि वीकली, ताकि परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रहे, एक दिन टॉप कर दिया, दो दिन चुप बैठ कर कुछ नहीं पड़ा, तीसरे दिन फिर टॉप कर दिया, कोई फायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के आधार पर क्या आपकी परफॉर्मेंस है उसको देखा जाएगा, बेस्ट ऑन उनको हाईलाइट किया जाएगा, बेस्ट ऑन वीकली ट्रैकिंग दोज विल बी लैकिंग बिहाइंड विल गेट ए कॉल फ्रॉम बलजी डागा सो दैट वी कैन डिस्कस व्हाट कैन बी डन फॉर इंप्रूवमेंट। यह इंपॉर्टेंट होगा, देखो बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे जो कि कभी भी इस दिशा में नहीं सोचते, या कभी कई बार सुनिए नहीं देखते कि कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं ये बोल रहा हूं कि कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ या कितने लोग हैं वो कमजोर हो गए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम लोग इनके ऊपर फोकस करते हैं जो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, अगर उनके पास फोन जाता है मेरा, मैं जानता हूं कि या तो उनके दिमाग में जरूर यह चलेगी कि अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा मेरे पास फोन आ सकता है, और फोन मैं कोई डराने के लिए नहीं दे रहा कर रहा, मैं सिर्फ ये जानने के लिए भाई उसने अपना आज टाइम कैसे बिताया, क्यों नहीं पढ़ पाया वो, और बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना बोलना ही काफी होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि एक दिमाग में टेंशन जरूर बैठेगी भाई आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। स्कूल में कॉलेज में दोनों फर्क क्या होता है कि कॉलेज और स्कूल में मेजर फर्क होगा, स्कूल में पढ़ाई होती है और कॉलेज में आपकी पढ़ाई नहीं होती, क्यों नहीं होती, स्कूल में हर रोज होमवर्क किया चेक किया जाता है, कॉपी चेक की जाती है, डायरी पे लिखा जाता है, पेरेंट्स से साइन करवा के आने हैं, स्ट्रिक्ट माहौल होता है, इसलिए स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है। हम जानते हैं कॉलेज में जैसे ही जाते हैं वहां पर माहौल जिस ढंग से होता है बच्चे भी उसी ढंग से बिहेव करते हैं, और ये बिहेवियर की वजह से ही सब प्रॉब्लम आ रही है, जो डेली रूटीन में बनना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जब वो कॉर्पोरेट में जाते हैं या फिर जो कॉलेज की पढ़ाई करते हैं इंजीनियर बनते हैं या दूसरी क्वालिफिकेशन करते हैं, तो जो कॉर्पोरेट के लोग हैं रघुराम राजन आरबी गवर्नर, उनका बोलना है कि ये लोग जो इंजीनियरिंग करके आए हैं वो अभी जॉब के लायक ही नहीं है,
ऐसा क्यों हो रहा होगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें कहीं लेकिंग आ रही है सिस्टम में, रेगुलेटरी बनाने में लेकिंग आ रही है। सेम प्रॉब्लम यहां पे है कि अगर आप रेगुलेटरी नहीं बना पाए, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बना पाए डेली परफॉर्मेंस के प्रति, डेली बढ़ने के प्रति, तो ये जो सपने होंगे कि आखिरी दिन में कुछ तीर चलाऊंगा, दो घंटे या 75 मिनट में कुछ नहीं होगा। देयर विल बी डेली इवैल्यूएशन ऑनलाइन। पुअर परफॉर्मर कैन गेट डेली कॉल। जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उनके ऊपर प्रेशर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, या वरना वो पिनेकल को कृपया करके ज्वाइन न करे। उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो पिनेकल को ज्वाइन न करे, क्योंकि अगर आप पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब शोर्टी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने पढ़ाई की आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगी। पढ़ाई में की इंप्रूवमेंट नहीं होगी इसलिए परफॉर्मेंस पूरी होगी, और परफॉर्मेंस पूरी होगी तो आपके ऊपर प्रेशर डालना ये आपसे ज्यादा जिम्मेदारी उस कोचिंग सेंटर होगी। कोचिंग सेंटर मैं पेन लेना चाहता हूं इसमें, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने मां बाप के सपने हो वो साकार न करो। आप मैं नहीं चाहता कि आपकी 5 लाख घंटे के आगे की जिंदगी अब अच्छी न हो, इसलिए मैं अपनी लाइफ को भी टफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब ये इतनी चीजें होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा इसको मैनेज करना भी। तो उस ढंग से आपकी परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आप इस पूरे सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी डेली इवैल्यूएशन टेस्ट ऑनलाइन। यू कैन नॉट मिस इवन ए सिंगल टेस्ट। बैड टीम विल रिमाइंड टू कॉल यू। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी लोग लगेंगे, सारे लोग, हर उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कोई टेस्ट बना रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है कोई चीज, कोई राइटिंग कर रहा है कहीं पे, कोई मुझे बता रहा है कि इस बंदे को फोन करना है, इसको नहीं करना है। कहने का मतलब मुझे सारे असिस्ट करेंगे पूरी टीम, और इसके लिए टेस्ट के लिए सेपरेट यूजर आईडी और पासवर्ड होगी। ये उसका कोई लेना देना नहीं है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है पिनेकल की उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिलेबस से रिलेटेड है। हालांकि टेस्ट इसमें भी होंगे, और वो सारे टेस्ट टायर 1 टायर 2 जिसका हमारी वेबसाइट पे या मैं बार बार जिक्र करता हूं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, तो वो टेस्ट भी इसका हिस्सा तो जरूर है प्रोग्राम के। लेकिन ये जो टेस्ट है ये सिलेबस से रिलेटेड है, डेली सिलेबस से रिलेटेड है कि अगर आप आज आपको बायोलॉजी दी है, केमिस्ट्री दी है या इकोनॉमिक्स दी है, उसका टेस्ट हो रहा है, और क्या क्या आज का प्रोग्राम है उसका टेस्ट हो रहा है। बैकअप ऑपरेशन टीम। आई हैव रिक्रूटेड ए स्पेशल टीम टू मॉनिटर मेकिंग टेस्ट, प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स, जनरेटिंग MIS, इस सारे काम करने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग, ताकि स्टूडेंट को असिस्टेंट मिले, ताकि स्टूडेंट का एक जिंदगी को बेटर बनाने के तरीका बने। दिस टीम विल असिस्ट मी इन इंप्लीमेंटिंग दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 9th जुलाई। 9th जुलाई से स्टार्ट होगा। सेंड मी योर टाइप टिल फ्राइडे इवनिंग। ये आप अपनी टाइप बता सकते हैं, जिन लोगों ने पिनेकल को ज्वाइन किया हुआ है कि टायर 1 टाइप 0 है, टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि जो प्रोग्राम भेजा जाएगा उसको उसी टाइप का पता होगा, उसको दूसरी टाइप का पता भी नहीं होगा कि उसको बाकियों को क्या क्या कर चल रहा होगा। इससे यह एडवांटेज होगा उसका काम फिक्स होगा, जिस रास्ते में जाना है उसको उसी के बारे में पता हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। और हर इंसान डिफरेंट है, साइकोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है कईयों को टायर 2 की टेस्ट सीरीज भी ज्यादा फोकस किया जाए, हो सकता है कईयों को GK ज्यादा फोकस किया जाए, या डिपेंड करेगा कि कहां पे वो लेक होगी उसकी। यू विल गेट 1 वीक टारगेट एंड डेली डे वाइज प्लान ऑन फ्राइडे नाइट। स्पेसिफिक टाइम फ्राइडे नाइट को आपको मिल जाएगा, ताकि आप जब ये स्टार्ट हो 9 तारीख को तो आप इमीडिएटली सारा दिन पढ़े और फिर आखिर में टेस्ट दें। डेली टेस्ट अकॉर्डिंग टू जॉब अश्योर यू विल गेट ऑन सैटरडे नाइट एंड रिमेन एक्टिव फॉर 20 आवर्स ओनली। दो टेस्ट जैसे सैटरडे को हुआ, अगले दिन संडे को होगा, फिर मंडे को होगा, 7 दिन। यहां पे कुछ छुट्टी का प्रोग्राम नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट की कीमत हमें समझनी होगी। और मैं समझता हूं आज के टाइम में कि जितनी ज्यादा मेहनत बच्चा करेगा उससे दोगुना टीचर को करनी पड़ेगी, उससे दोगुना कोचिंग सेंटर को करनी पड़ेगी, वरना वो टीचर मेहनत करनी छोड़ देगा और नीचे आएगा। Those who want to join, visit www.ssccglpinnacle.com and over there you will find online coaching batch. Be part of it. All existing student of Pinnacle, hybrid course or online coaching batch can take part in it. और सभी के लिए
ये दरवाजा खुला है, जो लोग नहीं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्डवेयर और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी हम अपने प्लानिंग अलग बना लेंगे क्योंकि हमने सारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, सारे वीडियो लेक्चर्स दिया हुए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हुए, सब उसको उनको दिए हुए, तो वो अपने हिसाब से चलना चाहें वो चल सकते हैं। लेकिन जो अपने हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं और जॉब अश्योर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इसको, वो इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का हिस्सा जरूर बन सकते हैं और जो नए स्टूडेंट है वो भी इसका ज्वाइन करें तो भी वो इसका बनना चाहें तो इसका बन सकते हैं। जो लोग पिनेकल को ज्वाइन नहीं कर रहे वो कुछ एक वीडियो हम लोग अपडेट करते हैं, गाइडेंस से रिलेटेड भी है, साइंटिफिक गाइडेंस कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, इसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारा हमारी वेबसाइट पे भी है, फ्रीली अवेलेबल है, कुछ पोर्शन वो आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो आपको फ्री नजर आए होंगे, आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग जो अगर बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और ज्यादा गाइडेंस रिलेटेड प्रेजेंटेशन है आप और देख पाएंगे इस चैनल पे भी और वेबसाइट के ऊपर भी आप देखेंगे कई आर्टिकल आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूं कि 2016 टायर वन जो इनिशिएटिव, जो टायर वन और टायर टू टायर थ्री का नया पैटर्न आया है वो आपके लिए लाभकारी साबित हो, उसमें आप अपनी जिंदगी को बेटर बनाने की संभावना तलाश करें और अगले लगभग 50-60 साल की जो आगे की जिंदगी को एक बेटर बनाएं, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का अगर आप मैरिड हैं। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।